तो ये अपने यार दोस्त की गाड़ी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ, रात को जैसे ड्राइव कर रहे थे, जैसे स्टार्ट करना उसके अंदर ये पैंडल क्लच पैंडल जो है ना हमारा, ये फ्री हो गया। आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये बिल्कुल फ्री हो गया। तो एक बार आपको दिखाएंगे कि ये किस उससे हुआ और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। तो चलिए एक बार भैया से पूछते हैं कि इसका क्या हुआ। भैया इसमें क्या दिक्कत क्या आई है? क्या चीज का? गियर बका क्लच सिलेंडर। अच्छा, तो अब क्या मतलब इसमें होप पे जाएगी वो गियरबॉक्स उतरेगा। गियरबॉक्स उतरेगा मतलब लंबा प्रोसीजर है जी। चलो शॉप पे भी देखो। तो अब गाड़ी को टो करके लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा गियरबॉक्स है ना वो खुलेगा एक बारी, और हाइड्रोलिक्स होते हैं क्लच के अंदर जो हमारी क्या बोलते हैं क्लच सिलेंडर हमारा चेंज होएगा। तो अभी गाड़ी टो के जा रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक बारी। ये जैसे टो हो रही है गाड़ी, तो टो होने के बाद एक बारी हम इसको सेंटर पे जाते हैं। सेंटर जाके मैं एक बारी आपको पूछवा देता हूं कि इसका क्या एक हमारा रहेगा, क्या चीज चेंज होगी हमारी, उसका मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। कि आप लोगों को क्लच दिखा देता हूं मैं, ये देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये दिक्कत है, हमने रात को एक मिस्त्री को बुलाया था, उसने सारे यहाँ पे कूलेंट कूलेंट खिला दिया। तो उसके चक्कर में ना अभी यहाँ पे पता नहीं लग पा रहा कि लीकेज मेन मतलब मेन इशू क्या है। तो चलो एक बार अभी जैसे चेक वगैरह हो रही है तो उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें मेन इशू क्या रहेगा और कितनी अपने कॉस्ट आ गई। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी, कि जब गाड़ी जैसे चलते टाइम पे जो हमारा जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि क्लच जो था हमारा क्लच पैंडल फ्री हो गया था। तो जब मिस्त्री को जब हमने बुलाया तो उसने इसके अंदर खोल के देखा, तो उसने कहा सबसे पहले इसके अंदर ब्रेक ऑयल है ही नहीं। तो हम इसने सबसे पहले इसके अंदर ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल जो अपना होता है वो सारा इसने फिल किया। तो उसके बाद इसने कहा कि इसको हम गैरेज पे लेके जाएंगे। तो जब गैरेज पे लेके जाने से पहले उसने चेक किया कि इसके अंदर जो हमारा सिलेंडर है ना क्लच सिलेंडर, शायद वो लीक हो सकता है। तो जब इसको गैरेज पे लेके गए तो वहाँ पे जब चेक किया तो इसके अंदर जो हमारा क्लच सिलेंडर था वो टूटा था। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ कि जो क्लच सिलेंडर था हमारा वो ब्रेक हो चुका था। और इसके साथ इन लोगों ने अब जैसे ये इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमें पता लगा कि जो हमारा क्लच सिलेंडर था वो लीक हो चुका था। और इसके साथ इन लोगों ने जो उसके साथ चेक किया कि दूसरा हमारा क्या रिस्क हो सकता है, वो जो हमारी गाड़ी के अंदर जो क्लच प्लेट्स होती है ना वो हमारी बर्न हो गई थी, साथ वो क्लच प्लेट भी हमारी बर्न हो गई थी। तो इन्होंने क्लच प्लेट भी उसको रिप्लेस किया। अब जैसे आप ये देख रहे हो कि ये चीज़ हमारी जो है ना, ये चीज़ हमारी टूट गई थी, तो ये एक नई लगी है, मतलब हमारा एक ये पार्ट लगा। इसी पार्ट के चक्कर में जो हमारा जो क्लच पैंडल था वो बार बार ही फ्री वो मतलब फ्री हो गया था। तो इसी यही मेन रीजन था। तो ये हाइड्रोलिक मतलब ये अपना जो चीज अंदर वो लीक हो गया, तो ये होएगा है। तो मतलब इसका क्या काम क्या होता है सारा, देखा जाए तो सारा काम इसका यही है, जो जो अंदर पैडल दबाएंगे ना अंदर फिंगर को प्रेस करता है ये वाला। तो मैं अब आप लोगों को बताया हूं इसके अंदर हमारे कौन कौन से पार्ट्स लगे हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसके अंदर हमारी गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स चेंज हुए हैं वो हुए हैं, एक तो हमारा क्लच सिलेंडर, क्लच बेयरिंग कह दो या क्लच सिलेंडर कह दो, इसके साथ हमारा इसके क्लच प्लेट्स चेंज हुई हैं। क्लच प्लेट के बाद हमारी फ्रंट जो हमारे ब्रेक पैड्स होते हैं वो चेंज हुए हैं। फ्रंट ब्रेक पैड्स के अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारा ब्रेक ऑयल और क्लच जो ब्रेक ऑयल होता है वो हमारा डला है, और उसके साथ हमारा एक लीटर कूलेंट डला है। क्योंकि जो रात को मिस्त्री आया था उसने हमारा कूलेंट जो था कूलेंट बॉक्स निकाल के जब दिया था, तो उस टाइम पे उसने आधे से ज़्यादा हमारा कूलेंट वेस्ट कर दिया था। तो जो भी हमारे पार्ट्स लगे हैं वो सारे मारुति सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स लगे हैं, आप लोग जैसे देख सकते हो। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। गाड़ी अब तैयार हो गई, जैसे अभी चला के देखी थी तो उसमें एक बार मैं आपको भाई से पूछवा देता हूँ कि इसके अंदर भाई क्या क्या बना, क्या दिक्कत क्या क्या आ गई थी गाड़ी में। आपका इसमें ना आपका जो क्लच बैरिंग होता ना हाइड्रोलिक वो टूट गया। तो वो मतलब कहाँ से जैसे पता भी हमने एक चीज़ इसका क्या क्या देखी थी जब गाड़ी खोली थी, तो उसमें क्या देखा था, मतलब कैसे अपने को पता लगा था सारा? हमें उसमें पता लगा शायद ब्रेक होल का पैडल नीचे डाउन जा रहा था। अच्छा, ब्रेक होल डाल के देखा नीचे से तेल निकल रहा था। अच्छा अच्छा, ब्रेक होल निकल रहा था ना, तो उसके लिए फिर आपने गियर बॉक्स डाउन करा देखा तो आपका क्लच बैरिंग डैमेज निकला। ठीक है, अच्छा। तो इसमें अभी अपना सामान डला क्या क्या है? इसमें आपका आपका क्लच बैरिंग डला, हाइड्रोलिक होता है जो, हाँ जी हाँ जी, क्लच सेट डला आपका ही। ठीक है, बाकी जो ब्रेक होल वगैरह होता है वो सारा मतलब सारा चेंज हो गया। अच्छा, तो क्या कॉस्ट क्या आ गई इसकी सारी? साढ़े नौ हजार पूरे हो जाएंगे।